चौक से नीचे उतरने के बाद भगवान आदि शंकराचार्य मार्ग पिछले हफ्ते गंगा जी ने इस पूरे नीचे के स्थान को इस जगह से आदोश में ले रखा था। लो लाइंग एरियाज के रहने वाले लोग सब देखे अभी भी यहाँ किनारे किनारे बना के रह रहे हैं। ये रोड जो उधर उस समय यही रास्ता दाहिने खुला हुआ था, हरी शंकराचार्य मार्ग पूरे रास्ते में यहाँ तक पानी था। जगह उस दिन में जब आया तो यहाँ गंगा जी मार रही थी, माँ गंगा की मूर्ति भी घड़ियाल के पास तक जरूर हुई। और आज माँ गंगा ने इस जगह को अपने आदेश से मुक्त कर दिया है, सब पानी भरा हुआ है। अब जिंदगी दोबारा यहाँ आबाद होती हुई, पूरा स्थान पानी से भरा हुआ था। ये गंगा माँ की वो मूर्ति जिसको वास्तव में गंगा जी ने उनके चरण स्पर्श किए थे, और ये रास्ता सीधे ऊपर बक्सी बांध की तरफ चला गया। अब देखिए इस समय काफी नीचे जाने के बाद चहल पहल बहुत तो नहीं आई है, बाकी एक्टिविटीज शुरू होते हुए इस पूरे रास्ते में सीधे बड़े हनुमान जी की तरफ चला गया रास्ता के दर्शन। पानी अभी भी देखा जाए तो काफ़ी है, वैसे तो पीछे वाला हिस्सा काफ़ी है पानी इधर, अगर भाई ये बीच में सूखा रहता था क्योंकि इस नीचे वाले दशाश्वमेध घाट पे आजकल स्नान के लिए जल रहता है। ये रेलवे का पुल और इसके बगल में शास्त्री ब्रिज, पीछे पूरा एक फ्लोर तक करीब करीब पानी था। ये मंदिर डूबा हुआ था, माँ का मंदिर, और ये देखिए पानी यहाँ से ऊपर, साधु लोग रेस्ट करते हुए। ये मंदिर, ये बजरंगबली, ये भी जलमग्न था, अब आगोश से मुक्त। यहाँ जल ऊपर तक था बिल्कुल, गंगा के दर्शन यहाँ पे, ये नया पुल बनते हुए देखिए। जगत गुरु रामानंदाचार्य जयंती महोत्सव देखिए, रंग रोगन होते हुए ऊपर तक पानी था यहाँ पूरा। यहाँ मैं आया था इस जगह, ये आपका इस जगह पे, यहीं पे पानी पूरा भरा हुआ था। आप पुल देखिए जो ये बन रहा है, ये यहाँ से पीछे 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक ऊपर प्लेटफॉर्म टाइप का बना हुआ, और ये यहाँ लेकिन इस जगह ऊपर मैं खड़ा होकर देख रहा था। यहाँ
यहाँ तक पूरा पानी भरा हुआ है, ऊपर से रास्ता आता हुआ नीचे। शास्त्रीपुर जय बाबा नीमकली की गंगा तो दर्शनाथ मुक्ति, बाबा की अति की कृपा और महाकाल की प्रेरणा के फलस्वरूप आज ये वीडियो बनाने का सौभाग्य मिला।